हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गुड न्यूज़ के बारे में रिगार्डिंग विप्रो डिविडेंड अनाउंसमेंट एंड Q3 रिजल्ट। तो क्या है Q3 रिजल्ट और क्या और कितना डिविडेंड आप लोगों को मिलने वाला है विप्रो के तरफ से, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा विप्रो का डिविडेंड और Q3 रिजल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली विप्रो ने डिविडेंड जो है अनाउंस किया है, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनवरी 12, 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है विप्रो के तरफ से, ठीक है। और आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड का जो है अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से मिलने वाला है, ठीक है, विथ रिकॉर्ड डेट जनवरी 24, 2024, ठीक है। अगर जनवरी 24 से पहले आपके डीमेट अकाउंट में विप्रो का शेयर है तो आप लोग को इजिली 1 रुपीज मिल जाएगा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। जैसे कि आप लोग जानते होंगे विप्रो जो है इतना डिविडेंड नहीं देता है, 1.50 पैसा उस टाइप का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिलता है विप्रो के तरफ से, ठीक है, अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर्स में अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो, ठीक है। और ये जो डिविडेंड है, ये इंटरिम डिविडेंड जो है, ये पेबल है आपके बैंक अकाउंट में ऑन और बिफोर फरवरी 10, 2024, ठीक है। तो फरवरी 10, 2024 को या फिर 10 फरवरी 2024 से पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको विप्रो का Q3 रिजल्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा फाइनेंशियल रिजल्ट, 3 मंथ्स एंडेड, 9 मंथ्स एंडेड और ईयर एंडेड, ठीक है। टोटल इनकम जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है पहले से, और यहाँ पे ये मिलियंस में है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत घटा है, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग देख सकते हो 28,035 और पहले जो था 28,481, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 20,229 और पहले जो था 20,613, जो कि डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और टोटल जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 19,842, यहाँ पे भी डिक्रीमेंट हुआ है पिछले क्वार्टर से, जो कि 20,814 था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ डिविडेंड जो है 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था Q3 रिजल्ट, जो कि इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू लाइक TCS, HCLTech, ठीक है। तो कंपनी जो है खराब रिजल्ट अनाउंस किया है, ठीक है। तो ये था Q3 रिजल्ट के बारे में और इंटरिम डिविडेंड के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनर टेक। थैंक यू।